दरभंगा का नंबर वन कॉलेज, अभी हम सीएम साइंस में है। दरभंगा का नंबर वन कॉलेज सीएम साइंस का पार्क बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये दरभंगा का नंबर वन कॉलेज है, आप देख सकते हैं पार्क बना हुआ है। तो चलिए आज पार्क में घूमते हैं। एक्टिंग हो रहा है, वो एडिटिंग है, आप देख सकते हैं। ये सीएम साइंस का पार्क है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। फुटबॉल लग रहा है, सीएम साइंस कॉलेज का ये पार्क है। आप देख सकते हैं सीएम साइंस कॉलेज में घूमने के लिए आए हुए हैं। चलिए जानते हैं सीएम साइंस कॉलेज के बारे में और घूमते हैं। ये देखिए कितना सुंदर फूल लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये सीएम साइंस कॉलेज का पार्क है, ये सीएम साइंस का कॉलेज का रूम सब है, आप देख सकते हैं। ये कॉलेज का रूम है, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं सीएम साइंस कॉलेज का रूम, जहाँ पर टीचर पढ़ाते हैं। तो क्या सिस्टमेटिक ढंग से बेंच अरेंज किया गया है, आप देख सकते हैं। ये सीएम साइंस कॉलेज का रूम है, इसमें प्रोफेसर सब पढ़ाने के लिए आते हैं। एक भैया है जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, देख सकते हैं। ये कुछ स्टूडेंट सब है कॉलेज घूमने के लिए आए हुए हैं। चलिए इस भाई जी के बारे में जानते हैं, क्या पढ़ रहे हैं जी, आपके बारे में कुछ जान सकते हैं? बोलिए। अभी आप ग्रेजुएशन में हैं, तो किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? हम पीजी में। वो पीजी में है, तो ट्वेल्थ और यहीं से किए हैं? हाँ बोलिए, आप ट्वेल्थ में? इस बार पार्ट वन में नाम लिखा है। अच्छा, बोल रहे हैं 25 तारीख से चालू होगा बैच सब। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट में? कौन से डिपार्टमेंट में? सब्जेक्ट मैथ है। मैथ है? अच्छा ठीक है। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री? हाँ वो तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो सब्सिडरी हो गया। हाँ अच्छा, तो मैथ हो गया मेन पेपर। हाँ ठीक है, बोलिए क्या जानना है? तो कैसे क्लास सब चल रहा है, सो सब जानने चाहते हैं आपसे। रूटीन मिला? नहीं अभी नहीं। आपका डिपार्टमेंट तो उधर है मैथ का? हाँ, तो इधर हम सोचे उधर से पार्क में घूमते हुए इधर आए। तो नहीं नहीं, वो एकदम नर्वस मत हो, आराम से बैठ के बात करो। तो क्या दुकान बैठ जाते हैं? सोचे वैसे पूछ लेते हैं भाई जी, अभी क्या चीज़ का क्लास कीजिए, क्लास कीजिए। टीचर सब वहाँ मैथ में तो रेगुलर क्लास होता है, टीचर अच्छे अच्छे हैं, क्लास करवाएंगे। रूटीन ले लीजिए। हाँ रूटीन या फिर 25 तारीख से। थैंक यू।
काम करिए, इसमें जितना भी बच्चा आएगा उसका एक ग्रुप बना लीजिएगा आप, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें सर को भी जोड़ लीजिएगा, भैया भी सर को, या अगर ऐसा नोटिस हो या कुछ भी हो तो उसमें आप डाल दिया कीजिएगा। सर से जनरली बात करके फोन करिए, हाँ सर, हमारे पास फुल टाइम नर्सरी का एक ग्रुप है जिसमें टीचर जैसे जो भी रूटीन होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन होता है उनको भेज दीजिए। तो आप ट्वेल्थ भी यहीं से किया है? ग्रेजुएशन उसके बाद पी जी बताया। तो कौन सा ऑनर्स रखे हुए आप? है थोड़ा डिफिकल्टी सब्जेक्ट है उसका? डिफिकल्ट क्या है, बुक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी कार्ड बनवा लीजिए। कार्ड बनवाया? नहीं बनवाया, पहली बार कॉलेज आए मतलब एडमिशन के बाद। अच्छा, कोई बात नहीं, आराम से लाइब्रेरी चली जाइएगा, सामने लाइब्रेरी है वहाँ, ठीक है। हाँ, लाइब्रेरी कार्ड बना, आइडेंटी कार्ड मिला अभी? नहीं, बोला है छठ के बाद मिलेगा। ठीक है, जब आइडेंटी कार्ड मिल जाएगा हाँ तो लाइब्रेरी लाइब्रेरी का कार्ड बनवा लीजिएगा। लाइब्रेरी में जाइएगा, बैठिएगा, ढेर सारा बुक है, बैठ के वहाँ से लीजिए, पढ़िएगा, एक अच्छा सा टीचर खोज लीजिएगा। जो क्लब कॉलेज में टीचर हैं वही अगर पढ़ाएंगे तो ठीक है, अच्छा टीचर खोज लीजिए, वहाँ जा कर उनसे पढ़िए, बैठ कर तो। और आप अलग से भी क्लास ज्वाइन किए थे कि सिर्फ कॉलेज से? नहीं, तो हम तो खुद से पढ़ते थे, खुद से पढ़ते थे और यूट्यूब से पढ़ते थे, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा टीचर आपको मिलेगा नहीं कि धमका पढ़ाने वाला है, ठीक है। और मैथ अगर जनरली पढ़ना है तो मैथ के एक अच्छे टीचर को हम जब जहाँ ट्वेल्थ पढ़े थे तो वो थे आलोक झा, बंगाली टोलेवन पढ़ते थे, मार्के झा के पास पढ़े हुए हैं। अच्छा, नहीं तो हम आलोक झा के पास पढ़ते थे। हाँ, तो वो ग्रेजुएशन के भी बच्चों को पढ़ाते हैं, इतना हमको पता है। तो हम, मेरा तो सीट चेंज हो गया, तो हम फिजिक्स में आ गए, तो फिजिक्स में ऐसा कोई टीचर हमको मिला नहीं उस टाइम जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है ठीक से। हाँ, उसके लिए या तो यूट्यूब से पढ़ो या फिर जो है सो अपना, हाँ वैसे हमने अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं नेट के लिए, सी एस आई नेट के लिए, तो हम वहाँ से पढ़ते थे। मेरा भी एक वो दोस्त है, वो मैंने अकेडमी से सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, वो आई टी जेई का तैयारी कर रहे हैं। तो वो 12th तक का मिला हुआ है। तो यहाँ तो एकदम हाई लेवल, मतलब ग्रेजुएशन से स्टार्ट होता है सी एस आई नेट के लिए और एमएससी तक का सारा टॉपिक उसमें रखा हुआ है। तो कैसा फील हो रहा है आपको इस सब फिजिक्स लिए है तो? मेरा इंटरव्यू चल रहा है कैमरा ऑन करके? नहीं सर, नहीं भाई, आपके वैसे ही कॉलेज आए थे थोड़ा घूमने के लिए। घूमो फिर अच्छा रहेगा यार, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पढ़ने में मज़ा आएगा। क्लास कोई भी क्लास जहाँ खाली मिले बुक उठाओ चुपचाप घुस के जाके बैठ जाओ पढ़ने। फिर कॉलेज में जो बुक लेंगे तो इसका क्या प्रक्रिया? कोई प्रक्रिया, जब बुक आराम से ले लो, जितना 5 बुक मैक्सिमम मिला होता है हाँ 5 बुक ले लीजिए, या जितना दिन तक मन है बैठ कर अपना पढ़ते रहिए। कितना 1 साल पढ़िएगा ज़्यादा से ज़्यादा, एक ही वर्ड फर्स्ट पार्ट के लिए तो उतना ही पढ़िएगा, फर्स्ट पार्ट के लिए उतना ही पढ़ते रहिए। अपने स्ट्रीम के अलावा हम दूसरा से अति ले सकते हैं ना बुक, सब कोई बुक ले सकते हैं ना? जो मैंने वो बुक ले सकते हैं, ऐसे आपको जरूरत है कि मैथ के हैं तो मैथ में नॉवेल है ढेर सारा रखा हुआ, नॉवेल पढ़िए, जो मैंने वो पढ़िए, हिंदी साहित्य पढ़ना है हिंदी साहित्य पढ़िए, जो मैंने वो पढ़िए, केमिस्ट्री का ले सकते हैं, फिजिक्स का ले सकते हैं। ठीक है भाई, आप तैयारी करिए, आपसे बात करके हमको अच्छा लगा, आपसे कुछ हमको जानकारी मिला इस कॉलेज के बारे में। इस भाई जी से हम इस कॉलेज के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किए, आप देख सकते हैं ये भाई जी अभी पीजी में है, ये इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं और अभी तैयारी में लगे हुए हैं। इस भाई जी से कुछ जानकारी इस कॉलेज का कुछ जानकारी प्राप्त किए हैं, चलिए और आगे इस कॉलेज के बारे में जानते हैं। ये देख सकते हैं ये बुक है, ये लाइब्रेरी से लिए है भाई जी और अभी इसका तैयारी कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफेसर आकर यहाँ पर पढ़ाते हैं और ये बेंच सब कितना सिस्टमैटिक ढंग से लगा हुआ है आप देख सकते हैं। आज कॉलेज में पहली बार आए हैं तो थोड़ा सोचे इस पर वीडियो बना लेते हैं, चलिए। ये कॉलेज रूम सब है,
ये सब कॉलेज रूम सब है, ये पार्क है इस कॉलेज का। इतना ढेर सारा सब रूम सब है, ये कॉलेज का पार्क है। ये कॉलेज में रूम सब बना हुआ है। देखिए ये सीएम साइंस कॉलेज का डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है। ये सीएम साइंस कॉलेज का डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है। बिहार सरकार रूसा द्वारा वित्त प्रदत्त बीएससी आईडीसी द्वारा निर्मित पोस्ट ग्रेजुएट ब्लॉक है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं इस कॉलेज के बारे में। देख सकते हैं एक कर्मचारी इस कॉलेज का साफ सफाई में लगे हुए हैं। ये कॉलेज का पार्क है, ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, देख सकते हैं आप। इधर सब डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री सब है, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं ये लाइब्रेरी है। ये सीएम साइंस कॉलेज का लाइब्रेरी है, आप देख सकते हैं। ये लाइब्रेरी रूम है सीएम साइंस कॉलेज का। ये दरभंगा का नंबर वन कॉलेज है। ये लाइब्रेरी इसके अंदर है, अभी हम नहीं गए लाइब्रेरी में, जब कभी जाएंगे तो देखेंगे। ये पार्क, ये देखिए ये बेर बोला जाता है, ये बेर का पेड़ है, बहुत सारे छोटे छोटे फल सब लगे हुए हैं। ये सब रूम सब है। ये देखिए कौन सा पेड़ है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कौन सा पेड़ है। ये देखिए इसमें फल लगा हुआ है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सा पेड़ है ये। देखिए कितना ये लाइब्रेरी है, ये सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा। ये सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा है। आज घूमने का मौका मिला इस कॉलेज में, तो सोचे इस पे वीडियो बना लेते हैं। हाय दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा। आप देखें इस कॉलेज को, यह कॉलेज दरभंगा का नंबर वन कॉलेज है। इस कॉलेज में आप आज मुझे घूमने का मौका मिला। इस कॉलेज में हम तो एडमिशन नहीं कराए हैं, लेकिन तब पर भी घूमने का आज मौका मिला तो आए हैं। आप देख सकते हैं इस कॉलेज के बारे में, और चलिए जानते हैं और कुछ इस कॉलेज के बारे में। इसे ऊपर सर देखिए, स्टूडेंट सब सेल्फी ले रहे हैं। देखिए एक डॉगी आ गया, अदू देखिए एक डॉगी आ गया। आपका पैरामेडिकल में सिलेक्शन हो गया इस बार, तो आप चाहते हैं कि इस कॉलेज का नाम कटा के पैरामेडिकल करें। हाँ तो ये हो सकता है, आप सर से पूछिए जाके। जो मत कीजिए।
देखिए ये स्टूडेंट है जो चाहते हैं हम अपना कॉलेज का कॉलेज से नाम कटाना चाहते हैं, क्योंकि इसका पैरामेडिकल में ये चाहते हैं कि मेरा पैरामेडिकल में एडमिशन हो। इस कारण ये अपना एडमिशन फिर वापस लेना चाहता है। देखिए यहाँ पर पानी पीने का सुविधा भी लगा हुआ है, नल सब। यहाँ पर इस कॉलेज में पढ़ाई भी चलता है, आप एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई भी कर सकते हैं। बहुत ही यह दरभंगा का बेस्ट कॉलेज है। देखिए आज एडमिशन का प्रक्रिया चल रहा है, इसी कारण कॉलेज में भीड़ सब लगा हुआ है। अभी कॉलेज चल नहीं रहा है, 25 से चलेगा कॉलेज। दरभंगा का नंबर वन कॉलेज है ये सीएम साइंस। ये इसमें अलग अलग टीचर सब अपना काम कर रहे हैं। उधर पार्क सब है। खत्म हो गया, अभी नहीं होगा ना कुछ तो। चलिए सर से कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी कॉलेज में है हम लोग।